Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class B9. Our subject is biology. We are studying chapter number 1, exercise. Today we will study definitions of biomathematics, biomolecule and biogeography with long question relationship of biology with other sciences. So let's start. क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन बायोजियोग्राफी. तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. तो जब आपने इसका आंसर राइट करना है तो सबसे पहले आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है बायोजियोग्राफी. उसके बाद आपने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन राइट करनी है, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ की अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन बायो मैथमेटिक्स. तो इसका भी जब आपने आंसर राइट करना है तो सबसे पहले हेडिंग देनी है मार्कर के साथ बायो मैथमेटिक्स. उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, यानी कि मैथमेटिकल टेक्निक्स जितनी भी हैं या टूल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जब स्टडी करते हैं और रिसर्च के पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो वो हम बायोमैथमेटिक्स में करते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको एनालाइज जो है बायोमैथमेटिक्स के जरिए से किया जाता है. अगर आपकी बुक में एग्जांपल मौजूद है तो वो आपने लाजमी देनी है. एग्जाम्पल का भी मार्क होता है. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट यू मीन बाय बायो मॉलिक्यूल. तो बायो मॉलिक्यूल के बारे में भी ऑलरेडी आप चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं. तो जब आपने इसका आंसर राइट करना है तो सबसे पहले हेडिंग देनी है बायो मॉलिक्यूल्स. उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जो एटम्स हैं डिफरेंट बायो एलिमेंट्स के वो कंबाइन हो जाते हैं और मिलकर स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं. और जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल देनी है कि वो बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स जिसमें उनकी डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, जैसा कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड, स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह. तो जब आपने आंसर राइट करना है तो डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल लाजमी देनी है बिकॉज एग्जांपल के भी मार्क्स होते हैं. अगर आपकी बुक में एग्जांपल दी है तो तब आपने लाजमी देनी है जैसा कि इन क्वेश्चंस के अंदर दी हुई है. लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ जो है वो क्या रिलेशन है. तो इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की. इसमें आपने क्या करना है कि मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी कि वो साइंसेस जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही होती हैं. और ये साइंसेस जो हैं इसमें हम जो है एनिमल्स के मूवमेंट्स को भी स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ मोशंस को भी स्टडी कर लेते हैं. तो ये सारी साइंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रही होती हैं. सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इन साइंसेस की, लाइक बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल. आप उसके बाद हेडिंग देते हैं बायोफिजिक्स की, फिर उसके बताएंगे कि किस तरह से बायो और फिजिक्स से हम एक दूसरे से इंटरलेट कर रहे हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री की कि किस तरह से जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो बायोलॉजी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो प्रोसीड हो रहे होते हैं. बायोमैथमेटिक्स है कि किस तरह से जो मैथमेटिक्स है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. बायोजियोग्राफी है किस तरह से जो बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन रीजन, डिफरेंट अर्थ के रीजन्स पे लाइफ को किस तरह से स्टडी किया जाता है. बायो इकोनॉमिक्स है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट परसेंटेज वैल्यूज़, उनके प्रॉफिट, उनके लॉसेस जो हैं कैलकुलेट किए जाते हैं. और उसके बाद आपने इसको डायग्राम्स के साथ भी प्रेजेंट करना है. डायग्राम के साथ इन डिफरेंट साइंसेस की जो रिलेशन है वो बताया गया है.
तो डायग्राम को भी आपने लाजमी बताना है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डायग्राम मौजूद है तो तब आपने उसे आंसर में लाजमी ड्रॉ करना है। डायग्राम के मार्क्स लाजमन होते हैं। इधर भी डायग्राम मौजूद है तो अगर आपको ये आंसर आए एग्ज़ाम में तो आपने इसके साथ डायग्राम लाजमी ड्रॉ करने हैं। यस, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।